दोस्तों भारत में ट्रेन के इंजन कितने टाइप के होते हैं और ट्रेन का इंजन क्या माइलेज देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अंदर कितने प्रकार के ट्रेन के इंजन होते हैं और ये क्या माइलेज देते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। आज जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि 1 लीटर डीजल या 1 लीटर पेट्रोल क्या एवरेज देगा, हमारी गाड़ी कितनी दूर तक जा सकती है। इसी तरीके से कभी सोचा है कि भारत में ट्रेन के जो इंजन हैं जो डीजल से चलते हैं वो क्या एवरेज देते हैं। दोस्तों भारत में भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी और आज भी भारतीयों के लिए रेल से यात्रा करना सबसे पसंदीदा साधन है और साथ ही भारतीय रेल हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। भारतीय रेल के अंदर जिसको हम लोग लोकोमोटिव भी कहते हैं, 3 प्रकार के डीजल की टंकियां होती हैं। पहली टंकी 5000 लीटर, दूसरी टंकी 5500 लीटर की और तीसरी टंकी 6000 लीटर की होती है। दोस्तों हमारी गाड़ी के अंदर जितना ज्यादा लोड होता है उतना ही गाड़ी कम एवरेज देती है। इसी प्रकार रेलगाड़ी के अंदर भी जितना ज्यादा लोड होगा रेलगाड़ी का इंजन उतना ही कम एवरेज देगा। नॉर्मली दोस्तों अगर कोई पैसेंजर ट्रेन जिसके अंदर 12 डिब्बे जुड़े हुए हैं वो ट्रेन 1 किलोमीटर चलने के लिए 6 लीटर डीजल की खपत लेती है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को बार बार रुकना पड़ता है, ट्रेन को बार बार डी एक्सिलरेट और री एक्सिलरेट करना पड़ता है जिससे ईंधन की खपत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ अगर यही ट्रेन पैसेंजर ट्रेन नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन है, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है जिसको पूरा करने के लिए 1 किलोमीटर में लगभग 4.5 लीटर डीजल की खपत होती है। अगर यही ट्रेन हमारी मालगाड़ी है और उसके अंदर लगभग 24 डिब्बे भी जुड़े हुए हैं तब भी ये ट्रेन, क्योंकि वो नॉन स्टॉप चलती है तो इसलिए उसके अंदर भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 6 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर एक मिथ फैला हुआ है कि अगर ट्रेन के इंजन को बंद कर दिया जाए तो ट्रेन के इंजन को रीस्टार्ट होने में 40 से 50 लीटर तेल की जरूरत पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेन के इंजन को स्टेशन पे इसलिए नहीं बंद किया जाता है, उसके 2 कारण है। पहला कारण ये है कि ट्रेन के इंजन को जब एक बार बंद कर देते हैं तो ट्रेन के नियम के अनुसार एक चेकलिस्ट होती है जिसको पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही ट्रेन के इंजन को दोबारा से शुरू किया जाता है और इस चेकलिस्ट के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, उसको पूरी तरीके से चेक करने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। दूसरा कारण ये है कि ट्रेन के इंजन को जब बंद कर देते हैं तो उसके जो ब्रेक का जो प्रेशर है वो काफी कम हो जाता है और उसको उसी स्थिति में दोबारा आने में काफी समय लगता है, इसलिए ट्रेन के इंजन को हम लोग बंद नहीं करते हैं। दोस्तों साथ ही इस ट्रेन के इंजन को इसलिए भी बंद नहीं करते हैं क्योंकि अगर इमीडिएटली ट्रेन को अगर सिग्नल मिल जाता है वहां से चलने का तो ट्रेन को स्टार्ट होने में 20 से 25 मिनट का जो समय लगेगा, हो सकता है उस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आनी हो जिसको इस ट्रेन की वजह से 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, तो उस डिले को ना करने के लिए ट्रेन के इंजन को बंद नहीं करते ताकि तुरंत कॉल आने पर इसको चलाया जा सके। दोस्तों अब जब बात चल ही रही है ट्रेन इंजन के बारे में तो इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, बात करते हैं ट्रेन के अंदर कितने प्रकार के इंजन होते हैं। दोस्तों भारत के अंदर इस वक्त 3 प्रकार के इंजन है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला इंजन, डीजल से चलने वाला इंजन और कोयले से चलने वाला इंजन। आज की डेट में कोयले से चलने वाला इंजन लगभग बंद हो चुका है। फिलहाल जो 2 तरह के इंजन ही हैं जो ज्यादातर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाला इंजन और डीजल से चलने वाला इंजन। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रेन के इंजन को हम लोग लोकोमोटिव भी कहते हैं। ये लोकोमोटिव इंजन जो है लोहे की 2 पटरियों पर चलते हैं। ये जो 2 लोहे की पटरी होती है इनके बीच की जो दूरी होती है एक निश्चित दूरी होती है जो कि 5 फुट 6 इंच होती है। अगर इसे हम mm में बात करें तो लगभग 1676 mm इनके बीच की डिस्टेंस होती है, इसके ऊपर हमारे इंजन चलते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग वाइड या ब्रॉड गेज कहते हैं। दोस्तों जब हम ट्रेन के इंजन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रेन के इंजन के आगे कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं।
जिसका जो पहला अक्षर जो होता है वो W लिखा होता है, जो रिप्रेजेंट करता है वाइट को, जो हमें ये बताता है कि ये इंजन कौन सी पटरी पर चलेगा। तो ये वाइट पटरी पर चलता है, इसलिए इसके आगे W लिखा हुआ होता है। सेकंड जो वर्ड लिखा होता है, अगर वो ट्रेन का इंजन इलेक्ट्रिक है तो उसके आगे W के आगे A लिखा होगा, अगर वो इंजन डीजल से चलता है तो W के आगे D लिखा होगा। जो तीसरा लेटर क्या कहता है, तीसरा लेटर आपका हो सकता है अगर वो पैसेंजर ट्रेन है तो W D के आगे लिखा होगा P, तीसरा लेटर होगा अपना P। अगर वो ट्रेन अपनी गुड्स या कह सकते हो मालगाड़ी है तो लेटर लिखा होगा G। अगर वो ट्रेन का इंजन मिक्स्ड यूज करता है, वो मालगाड़ी को भी खींचता है एज वेल एज आपका पैसेंजर ट्रेन को भी खींचता है, तो उसके आगे लिखा होगा तीसरा लेटर M। दोस्तों इसी प्रकार तीसरा लेटर कई बार लिखा होता है S, S for shunting। Shunting का मतलब है कि जब मालगाड़ी के अंदर डिब्बों को आगे पीछे करने के लिए एक स्पेशल इंजन की हमें जरूरत होती है जो कि ज्यादा हैवी नहीं होता है, जिसका काम होता है सिर्फ डिब्बों को आगे पीछे करना, उसको हम लोग शंटिंग कहते हैं। शंटिंग वाले इंजन पे थर्ड लेटर जो है वो S लिखा हुआ होता है। इसके आगे और भी नंबर लिखे हुए होते हैं जो ट्रेन के कितने HP का इंजन है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अगर ये इंजन है तो इन्हें कोई बनाता भी होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के अंदर सिर्फ दो कंपनी हैं जो ट्रेन के इंजन बनाती हैं। पहली है एल्को, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी, और दूसरी है अपनी EMD, इलेक्ट्रिक मोटिव डीजल। दोस्तों दोनों ही कंपनी अमेरिका की हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी कंपनी के सामने ये शर्त रखी थी कि आपको ये इंजन जो है भारत में ही बनाने होंगे। ये दोनों कंपनियों को बुलाया गया, उन्होंने भारत में ही ये इंजन निर्मित करे और आज ये दोनों इंजन हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। दोनों इंजन के अंदर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फर्क है। जो एल्को इंजन है वो हमारा 2-स्ट्रोक इंजन है, जिसकी वजह से वो एवरेज कम देता है और साथ में पोल्यूशन धुआं भी ज़्यादा करता है, जबकि जो EMD इंजन है वो हमारा 4-स्ट्रोक इंजन है और साथ में पोल्यूशन भी कम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब वो पोल्यूशन ज़्यादा करता है तो भारत सरकार ने उसको परमिशन क्यों दी। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि शुरू में भारत सरकार को अधिक से अधिक इंजन की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने दोनों कंपनीज को ऑफर करी कि आके यहाँ पे काम करिए। लेकिन अब समय के साथ में जब हमारी जरूरत पूरी हो गई है, अब भारत सरकार ने एल्को कंपनी को बंद कर दिया है। अभी ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो EMD में ही हो रहा है। दोस्तों ट्रेन के इंजन में एक ट्रैक्शन मोटर लगी होती है, जिस पर जितना लोड ज्यादा डाला जाता है वो मोटर घूमती है और उसी से ट्रेन आगे बढ़ती है। जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो आगे से इलेक्ट्रिक लेके डायरेक्ट ट्रैक्शन मोटर को देता है, जिससे ट्रैक्शन मोटर घूमती है, जबकि डीजल वाले इंजन में एक जनरेटर रखा होता है, डीजल से उस जनरेटर को चलाया जाता है, जनरेटर बिजली पैदा करता है और उस बिजली से ट्रैक्शन मोटर घूमती है। तो हम कह सकते हैं नाम के लिए वो डीजल इंजन है, लेकिन ट्रेन चलती तो इलेक्ट्रिक से ही है, क्योंकि दोनों के अंदर ट्रैक्शन मोटर लगी है और ट्रैक्शन मोटर इलेक्ट्रिक से ही चलती है। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों इंजन में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है, तो दोस्तों ट्रैक्शन मोटर पे जितना ज्यादा लोड डाला जाएगा उतना ही तेज इंजन चलेगा, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर जनरेटर रखा होता है जो कि भारी होता है और वजन की वजह से जो ट्रेन है वो पटरी से चिपक के चलती है और उस पे जो है लोड ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से जो फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि इलेक्ट्रिक इंजन काफ़ी हल्का इंजन होता है, वहाँ जनरेटर नहीं होता, डायरेक्ट बिजली लेते हैं और डायरेक्ट उसको सप्लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं डीजल इंजन इलेक्ट्रिक इंजन के मुकाबले भारी होता है, उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो इसलिए वो ज़्यादा तेज गति से चलता है। तो इस प्रकार सेम पावर होने के बावजूद भी डीजल इंजन ज़्यादा तेज दौड़ता है। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन हल्का होने की वजह से एक प्रॉब्लम और सामने आती है, वो होती है कि जब इंजन हल्का है और पीछे उसके साथ में ज़्यादा लोड वाले डब्बे लगा दिए जाते हैं तो कभी कभी उसके अंदर जो पहिए हैं वो स्लिप करने लग जाते हैं। इस स्लिपनेस को रोकने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए ट्रेन के इंजन के अंदर लोहे के टुकड़े रख दिए जाते हैं, जिससे उस पर थोड़ा सा वजन पड़े और इस समस्या को सॉल्व किया जा सके। साथ ही ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि डीजल इंजन में नहीं होती, कई बार स्लिपनेस की प्रॉब्लम डीजल इंजन में भी आती है। तो दोनों ही इंजन में पहियों के पास में एक सैंड बॉक्स लगाया जाता है, जब ये स्थिति पैदा होती है स्लिप वाली
तो वो सैंड बॉक्स थोड़ी सी सैंड निकाल कर उस पहिए पे छिड़क देता है, जिससे उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है और ये स्लिप नहीं मारता और ट्रेन अधिक तेज गति से चलती है। दोस्तों इसके साथ ही अभी हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करी है जिसका नाम है कवच टेक्नोलॉजी। इसमें दो ट्रेन को आमने सामने की टक्कर को रोकने के लिए एक कवच टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिसमें ट्रेन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आगे से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, जिससे समय रहते ब्रेक उसके अंदर लग जाती है। भारत सरकार ने इस एंटी कोलिजन डिवाइस का नाम कवच रखा है, जिसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आमने सामने से जब दो ट्रेन आ रही थी तो इस कवच टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग 300 से 400 मीटर पहले ही दोनों ट्रेनें रुक गई और टक्कर नहीं हुई। पहले ये सिस्टम कुछ ट्रेनों में था, उनके इंजन के ऊपर ACD लिखा हुआ था, क्योंकि अब हर इंजन के अंदर ये टेक्नोलॉजी लगा दी गई है। तो इस प्रयास से भारत सरकार अपने जो एक्सीडेंट्स हैं उनको कम करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने आज कुछ नया सीखा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्द ही फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।